हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं विंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जो YouTube है प्लेटफॉर्म, इसमें बहुत सारी पहले वीडियो प्ले करते थे, जैसे कि प्ले की 1080, 720, 480, 360, 240 और 144, कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखते थे। अब YouTube पे वो हमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं दिखते नहीं है, क्योंकि वो हमने अगर नया अगर YouTube आता है, अपडेट कर लेते हैं उसका वर्जन को, तो उसमें चेंज होते रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग आती रहती है। गूगल वाले जो YouTube पॉलिसी वाले हैं, वो कुछ ना कुछ नया चेंज लेके आते हैं। तो उसके टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। जो भी मेरे दोस्त नए यूट्यूब पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम में, जिसको भी कुछ पूछना हो, किसी को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट ज़रूर किया करें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें आप सब लोग। और ज़्यादा ना समय ले तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यूट्यूब पर। YouTube में जाने के बाद में हम कोई भी एक वीडियो ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक। आप एक कोई भी वीडियो ले लें, उसको प्ले कर लें। जैसे कि हम ऊपर वाली कर लेते हैं, आज तक चैनल की जो वीडियो एक ऐड आएगी, मैं ऐड बंद करने देता हूँ। ये प्ले जो, इसको हम बंद कर लेते हैं। अब करना क्या आपको, ये डॉट वाली बिंदी है, जो तीन बिंदी दिख रही है साइड में कॉर्नर में, राइट हैंड, इस पर ओके करें। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वालिटी ऑटो 240p, इस पर ओके करते हैं। इस पर ओके करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आता है, जबकि पहले यहाँ पे ऐसा नहीं आता था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, ऑटो रिकमेंड, ठीक है, यहाँ पे लिखा जस्ट टू गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर योर कंडीशन, और उसके बाद लिखा हुआ हाई पिक्चर क्वालिटी, यूज मोर डाटा। अगर आप डाटा को जल्दी ही ख़त्म करना चाहते हैं तो हाई पिक्चर क्वालिटी में देखिए, कोई भी आप मूवी देखना चाहते हैं या कोई कुछ भी एवरीथिंग। उसके बाद डाटा सेवर मतलब लो पिक्चर क्वालिटी, इसमें आपको लो क्वालिटी में दिख जाएगा। उसके बाद एक नीचे नीचे लिखा होगा एडवांस, तो उसमें सिलेक्ट है स्पेक रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं, तो यहाँ पे आपको वही ऑप्शन दिख जाते हैं। यहाँ से आप जाके इनको एक बार 140 पे करेंगे और उसके बाद प्ले करते हैं, तो ये वही कंडीशन नहीं रहेगी, समझ रहे हैं, बिल्कुल वही नहीं रहेगी। अब हमें करना क्या कि इसकी सेटिंग करनी है, तो सेटिंग करने के लिए क्या करना होगा, सेटिंग करने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं। उसके बाद अपने YouTube पे जाएं और उसके बाद थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें, नीचे नीचे सेटिंग पे जाएं। सेटिंग पे जाने के बाद ऊपर ऊपर ऑप्शन आपको मिलेगा जनरल, और जनरल में आप जाके यहाँ पे आपको लिख जाएगा अपलोड नेटवर्क। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे वो वीडियो का ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि पहले यहाँ पे था। हम बैक करते हैं और जाते हैं वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस पे, तो इस पर ओके करते हैं। ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो हमें सेटिंग करनी है वो है छोटी सी सिंपल सी, वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क। तो हमें क्या करना होगा, नीचे वाले पे डाटा सेव पे, इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करेंगे तो डाटा कम खाएगा, हम नीचे ओके कर लेते हैं। एक हाई पिक्चर क्वालिटी, तो हाई पिक्चर क्वालिटी पे करोगे तो इस पर भी डाटा ज़्यादा जाएगा। उसके बाद आता है ऊपर वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई, अगर आप वाईफाई से चलाते हो तो उसके ऊपर आप किस तरीके से चलाना चाहते हो, तो उस पर भी आप डाटा सर्वर पर ओके कर दें, इस तरीके से कर सकते हैं आप। ये जो सेटिंग है इनको अगर यहाँ पे आप सेट कर देते हो, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार फिर बता देता हूँ, वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क मतलब नेटवर्क सिम से अगर आप चला रहे हो उसी में सिम में मोबाइल में और उसी नेटवर्क से चला रहे हो, चाहे वह जियो है या वोडाफोन है, आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे एक और ऑप्शन दिया वीडियो क्वाल टी ऑन वाईफाई, अगर वाईफाई से चलाते तो भी आपको ये सेटिंग करनी होगी। ये सिंपल सी इसमें सेटिंग थी, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं इसमें, और आप इसको बैक कर लें। बैक करने के बाद आप
फिर एक बार आपको ऊपर करना होगा थोड़ा सा। यहाँ पे हम वीडियो को प्ले करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं जो कि एक लाइव चल रही है, तो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वालिटी, ऑटोमेटिक क्वालिटी आपको दिख गई होगी ऊपर की तरफ, क्वालिटी फॉर करंट वीडियो जो किस तरीके से चल रही है वो आप देख रहे हैं 144 के हिसाब से, ठीक है। तो डाटा सेव पे क्वालिटी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए एक तीर का निशान दिख रहा है जो दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर किसी को अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रही या आपको इसमें से कोई समस्या आ रही जिस मेरे दोस्त को समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले वहाँ से पूछ सकते हैं, इसी यहीं पे कमेंट कर ले नीचे तो भी पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।